नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वारियर में। दोस्तों ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी इसके ऊपर हम वीडियो शेयर कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 मार्च को एटॉमी इंडिया ऑफिशियल की तरफ से न्यूज़ आई थी कि एटॉमी लॉन्च होने वाली है Q2 में, अप्रैल जून 2020 के बीच, अप्रैल से जून के बीच होगी इसी साल, ठीक है। तो कंपनी का जो प्लानिंग है, मेगा प्लानिंग है एटॉमी को लेकर के, एटॉमी इंडिया को लेकर के कंपनी की जो मेगा प्लानिंग है, पिछले 2 साल से कंपनी प्री लॉन्चिंग पीरियड में है और 2 साल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके ऊपर क्या प्लानिंग है, मेगा प्लानिंग है, उस मेगा प्लानिंग के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लीडर्स हैं और काफ़ी हमारे लीडर्स हैं और इंडिया में जितने भी एटोमियंस हैं सभी के क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एटॉमी ने 2 साल का जो पीरियड है वो क्यों लिया, मेगा लॉन्चिंग से पहले जो प्री लॉन्चिंग का पीरियड है वो क्यों किया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने का वो कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल, एटॉमी कंपनी का प्रोफाइल जो 10 साल का प्रोफाइल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एटॉमी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी बेस है जो गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर को कंपनी है, ठीक है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की कैरियर कोलमर गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उनके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर है एटॉमी का। एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पिछले 10 साल में 13 कंट्री में फुल्ली तरह से ऑपरेशनल है, इंडिया, चाइना, वियतनाम, कोलम्बिया, टर्की। इस साल इनका लॉन्चिंग का प्लान है जो एक्सपेक्टेड है, अभी सबसे पहले इंडिया होगा, फिर वियतनाम, फिर चाइना, ठीक है। तो कंपनी का प्रोफाइल देखें तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से, प्राइस की क्वालिटी से, कंपनसेशन प्लान की तरफ से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है दोस्तों इस कंपनी का। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और सेकंड जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि कंपनी ने पिछले 2 साल से प्री लॉन्चिंग पीरियड दे रखा, वो क्यों दे रखा, क्योंकि कोई भी जब बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आती है किसी भी कंट्री में तो उसका एक मेगा प्लान होता है उस कंट्री के सेटअप के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो कंपनी पिछले 2 साल से जो प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है उस पीरियड को लेकर के सभी लोगों में एक नेगेटिव रूमर्स फैल गया था कि कंपनी 2 साल से चल रहा है, रजिस्ट्रेशन लॉन्च होगी कि नहीं होगी, तो इस तरह के रूमर्स चल रहे थे। तो इस वीडियो में हम उसको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो टाइम स्पैन पीरियड है वो 2 साल आप मान के चलिए, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और कंपनी चाहती है कि एटॉमी इंडिया लॉन्चिंग से पहले बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की जाए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कंपनियां चल रही हैं, लीगल कंपनियां भी हैं, फॉरेन की भी काफ़ी कंपनियां हैं, तो जो कंपटीशन ऑफ नेटवर्क मार्केट का है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। तो उस मार्केट को बीट करने के लिए और सुपरसीड करने के लिए कंपनी का एक मेगा प्लान है जिसके तहत कंपनी ने 2 साल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रखा है लॉन्चिंग से पहले। तो लॉन्चिंग से पहले ये चाहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो इंडिया में, ठीक है। जैसे ही लॉन्चिंग होती है कंपनी तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका पे आउट बहुत ज़्यादा होगा, साधारण सी बात है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटअप होगा, ठीक है। एटॉमी वीएस अदर कंपनी से हम कंपटीशन करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी में या लीडर्स के पे आउट की क्वालिटी में, कम समय में ज़्यादा सक्सेस का जो रिकॉर्ड है वो बनाएगी कंपनी। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम स्पेन चाहिए, टाइम स्पेन की आवश्यकता है, टाइम की आवश्यकता होती है उस कंपनी को सस्टेनेबल बिजनेस रोटेशन के लिए। अगर बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा, कोई भी कंपनी लॉन्चिंग करना तो आसान है लेकिन उसका बिजनेस को कंटिन्यूस ग्रोथ देना बहुत ही मुश्किल है। तो उस बिजनेस को कंटिन्यूस राह पे लाने के लिए, कंटिन्यूसली वो कंपनी चलती रहे, उसके प्रोडक्ट सेल होते रहे ऑनलाइन, तो उन सब चीज़ों के लिए एक मेगा प्लान की आवश्यकता है जो कि इस कंपनी ने अपना मेगा प्लान इंडिया के लिए बना रखा है। तो ये कंपनी इंडिया में जो रीजनल कंपनी है और विदेशों की जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उन सभी कंपनियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, क्योंकि इसका कंपटीशन काफ़ी कंपनियों से होगा। तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है, जैसा कि लोगों के पे आउट देख करके दूसरे लोगों को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो कंपनी चाहती है कि इसके मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर बने, ठीक है, और जो कि मैक्सिमम कंज्यूमर बने। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ये चाहती है अप्रोक्सीमेट, अभी जैसे मैं आपको 18 दिसंबर का डाटा बताऊं तो उस टाइम 6 लाख के आसपास इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुए थे कंपनी के, ठीक है, और अभी एटलीस्ट मान के चलिए अभी 8.5 लाख से 9 लाख के आसपास टोटल
जो कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो अभी 8.5 से 9 लाख का रेशियो चल रहा है, तो कंपनी चाहती है कि मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मेंबर्स उसके एडवांस में रजिस्टर्ड हो, ताकि जैसे ही कंपनी लॉन्च होती है एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री क्रिएट की जा सके और कम समय में ज़्यादा लोगों को सक्सेस दी जा सके। जो लोग मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को सक्सेस मिलेगी 100%। जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत से अपनी टीम बनाई है एटोमी के अंदर, तो दोस्तों उनको सक्सेस तो 100% मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे लीडर्स की टीम बनाई है और उनको सक्सेस तो 100% मिलनी है। तो कंपनी चाहती है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए और उनका पेमेंट का रिकॉर्ड दिखा करके दूसरी कंपनी के साथ आप कंपेयर कीजिए, हर तरह का जो रेशियो है वो कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम पे आउट रिकॉर्ड बने, जितने भी हैं जो कंपनी की मैक्सिमम अचीवमेंट की सक्सेस स्टोरी हिस्ट्री क्रिएट हो इंडिया में, और मैक्सिमम मास्टरशिप की स्टोरी क्रिएट हो पहले 3 महीने में कंपनी की तरफ से। ठीक है, इंडिया में पहले 3 महीने में जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो मैक्सिमम मास्टरशिप का लेवल गेन कर चुके होंगे उस टाइम तक, और जो दूसरी कंपनियों में बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको एटोमी ज्वाइन करने के लिए ये रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम पे आउट का रिकॉर्ड, मैक्सिमम सक्सेस का रिकॉर्ड, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपकी जो टीम है वो काफ़ी बड़ी होगी और दूसरी कंपनी के बड़े लीडर्स भी आपकी कंपनी की तरफ आकर्षित होंगे, वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जब आप कंपनी का पे आउट प्रूफ दिखाएंगे और कंपनी का स्टेटस दिखाएंगे तो ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, क्योंकि अभी तक 13-14 कंट्री में जो एटोमी चल रही है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का परसेंटेज 17-18% है, काफ़ी जितने भी कंट्रियों को आप लगा दो तो उनसे ज़्यादा का इकोनॉमी इंडिया का अकेले का रेट का ग्रोथ है। ठीक है, तो मेरा कहने का माध्यम ये है कि 13 कंट्री के बराबर अकेला एक इंडिया का मार्केट है दोस्तों, इंडिया चाइना का जो बिगेस्ट मार्केट है कंजप्शन के लिए, बहुत ही बड़ा मार्केट है, और इसमें कोई अच्छी कंपनी आती है तो उसको प्री लॉन्चिंग का पीरियड तो दोस्तों चाहिए, कंपनी को सारी प्लानिंग करनी पड़ती है मैनेजमेंट स्टाफ के साथ बैठकर कंट्री के आधार पर कि उस कंट्री का डेमोग्राफिक प्रेशर कैसा है, कंट्री में कौन से प्रोडक्ट सही रहेंगे, कौन से प्रोडक्ट का कंजप्शन ज़्यादा रहेगा, और इस कंपनी के साथ जुड़ करके इंडिया के जो बड़े लीडर्स हैं या आम आदमी हैं, जो भी नॉर्मल आदमी है, वो अपना एक कैरियर सेट कर सकते हैं, तो एक लॉन्ग कैरियर सेटअप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी ने इंडिया के लोगों को दी है। ठीक है, ताकि उससे कंपनी का कंटिन्यूस बिजनेस रोटेशन हो, मान लीजिए 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में अभी हो गए हैं, ठीक है, तो कंपनी को चाहिए कि 3-4 लाख उसके रेगुलर कंज्यूमर बने रहें, ताकि मंथली जो उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे, मंथली जो उसकी सेल है वो मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें कंपनी को पहले प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, और कंसिस्टेंट बिजनेस ग्रोथ होता रहे उस कंपनी का, और इंडिया में पहले 3 महीने में बहुत बड़ा सेल का रिकॉर्ड बनने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और कंपनी के जो रेगुलर कंज्यूमर बने रहेंगे उसके लिए भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटअप होने वाला है यहाँ पे। तो कंपनी ये देखती है कि इंडिया में जो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, कौन से प्रोडक्ट किस तरीके से जा रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हैं जो अच्छे तरीके से जा रहे हैं मार्केट में, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उस कंपनी की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका GST क्या है, टैक्स क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है। ठीक है, तो जो कंपनी का प्राइस है ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, लेकिन डिपेंड करता है करेंसी एक्सचेंज, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी एक्सचेंज है, तो उसके ऊपर प्राइस का डिपेंड करता है, और उस कंट्री के जो लोकल टैक्स हैं वो लग करके प्राइस, फाइनल प्राइस आता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का। तो इसकी जानकारी आपको मेरे ख्याल से हुई होगी। नेक्स्ट है 1000 ऑफ सक्सेस स्टोरी एट लॉन्चिंग। तो कंपनी चाहती है इंडिया में जो लोग कम समय में एक अच्छा खासा पे आउट अचीव कर सके, हज़ारों लोगों की स्टोरी कंपनी वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहती है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो और जो इंडिया की मार्केट है उसको समझते हुए, देखते हुए कंपनी ने 2 साल का जो प्री लॉन्चिंग पीरियड है वो रखा हुआ है। तो कोई भी, जाहिर सी बात है, कोई दोस्तों बड़ी कंपनी आएगी, बड़े ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी आएगी, इंटरनेशनल कंपनी आएगी, तो उस कंट्री के आधार पे उसकी सारी चीज़ें डेमोग्राफिक प्रेशर को देखती है, वो अपनी प्लानिंग तो पहले करेगी, वही प्लानिंग एटोमी ने की है, तो बहुत ही मेगा प्लानिंग कर रखी है कंपनी ने। दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं आने वाली इंडिया में, ये लोगों के लिए लॉन्ग लाइफ एक कैरियर सेटअप करने के लिए आ रही है इंडिया में। ठीक है, तो कंपनी ने अपना लॉजिस्टिक सर्विसेज देखेगी कि इंडिया के हर पार्ट में
कंपनी के प्रोडक्ट पहुंचेंगे, तो उसके लिए भी इसको काफ़ी टाइम चाहिए था, वो टाइम पूरा हो चुका है। और खुशी की बात यह कि सीजे डार्सल की जो कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, और इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम कोरियन है, ठीक है, तो वो तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा सीजे डार्सल के साथ। और इंडिया के जिस सिटी में प्रोडक्ट्स नहीं जाते थे या कोई कोरियर नहीं जाता था या कोई पोस्ट नहीं जाती थी, तो जहाँ जहाँ जिस जिस सिटी डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इस सीजे डार्सल की कंपनी ने वो सारी कमियों पे अभी ये काम करने लगे हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के हर कोने तक कंपनी का प्रोडक्ट पहुँचे, और उसके लिए सर्विसेज के लिए काम चल रहा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। फिर शिपिंग सर्विस जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोरिया से इंडिया में आएगी सीजे डार्सल कंपनी के थ्रू आएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उन सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए भी एक टाइम फ्रेम चाहिए कंपनी को, सब कुछ सेटअप करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एटोमी इंडिया के जो सेमिनार होंगे, ऑफिशियल सेमिनार होंगे पूरे साल के, लिस्टिंग के, कंपनी का मंथली ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, कितना सेल आउट हो रहा है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से सब जो पैसा निकाल करके कंपनी को अपना, जैसे जैसे काम बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ज़्यादा स्टाफ की भी आवश्यकता होगी कंपनी को, ऑफिशियल स्टाफ भी ज़्यादा उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनकी सैलरी भी, जो बहुत ही बढ़िया ऑफिशियल स्टाफ अभी काम कर रहा है प्री लॉन्चिंग में, उनको भी अभी सैलरी दे रही है, लॉन्चिंग के बाद काम बढ़ने के बाद और स्टाफ रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सैलरी भी कंपनी देगी, तो वो सारे प्लानिंग अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टाइम स्पेंड चाहिए कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी को चाहिए कि कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बने, वो एक सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ होती रहे मंथली, जैसे 10 लाख है इसमें से 3 से 4 लाख रेगुलर कंज्यूमर बनते रहेंगे, तो उसमें से जो इसका पे आउट आएगा उसमें से ये उसको सेमिनार्स में डिवाइड करेंगे, कंपनी के जो एम्प्लॉई उनकी सैलरी में डिवाइड करेंगे। बहुत काफ़ी खर्चा होता है कंपनी का, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए प्री लॉन्चिंग में प्लानिंग करनी पड़ती है दोस्तों, कोई भी बड़ी कंपनी आती है, तो अच्छे तरीके से प्लानिंग की है एटोमी ने, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेबसाइट सर्वर फंक्शन। वेबसाइट का सर्वर, जैसा कि पहले साउथ कोरिया से सब कुछ चल रहा था, धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, और काफ़ी कुछ उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे फ्लिपकार्ट में कोई मेगा ऑफर आया था, उस टाइम उसने कुछ छूट दी थी कुछ आइटम्स में एक टाइम, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर एक दिन में इतने लोग आ गए, उसकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी, सर्वर क्रैश हो गया था। तो दोस्तों एटोमी जब लॉन्चिंग होगी, तो एटोमी नहीं चाहते कि एटोमी लॉन्चिंग के फर्स्ट महीने या पहले दिन उसका सर्वर क्रैश हो, उसके ऊपर ओवरलोड हो, तो उसके लिए सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाना, स्टैंड बाई सर्वर रखना, जो वेब मेंटेनेंस का काम है, जो टेक्निकल टीम है एटोमी की, वो उसके ऊपर जोरदार तरीके से काम कर रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम चाहिए दोस्तों, वेबसाइट सर्वर मेंटेन करने के लिए, टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट, उसको मेंटेनेंस के लिए, सारी चीज़ों के लिए भी टाइम फ्रेम चाहिए, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है अभी कंपनी का, ठीक है। फिर उसके बाद जो एजुकेशन सेंटर प्लान है, एजुकेशन सेंटर सेटअप करना है इंडिया में, जैसे साउथ कोरिया में अभी लगभग 1200 के आसपास एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं, एजुकेशन सेंटर का सेटअप करना, एजुकेशन सेंटर के जो टॉप लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना अलग से, कैसे सेटअप करना है, कैसे प्लान करना है, वो सारी चीज़ें, और एक्स्ट्रा स्टाफ हायर तो करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्टाफ हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो एटोमी इंडिया के ऑफिशियल सेमिनार करने के लिए जो मेगा प्लान बनाना है और मेगा सेमिनार्स को सक्सेसफुल करना है, जो भी इवेंट सक्सेसफुल करना है, उसके लिए भी स्टाफ हायर करना, और स्टाफ की सैलरी को मेंटेन करना, हर प्रकार का जो भी स्टाफ है इनका, उसकी सैलरी को मेंटेन करना, तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर एटोमी लॉन्चिंग होने के बाद जो रेगुलर ऑर्डर है फ्लो, वो कंटिन्यू होता रहे कंपनी की तरफ से, तो कंपनी उसमें डिसाइड करेगी कितने प्रोडक्ट का कंजप्शन है, कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का इंडिया में ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, पे आउट रिलीज़ करना टाइम के ऊपर सबसे बड़ी बात है दोस्तों। जब आपकी वेबसाइट लॉन्च होती है, तो पे आउट जब लीडर्स लगाएंगे, तो एक क्लिक के ऊपर आपका पे आउट आपके अकाउंट में आना चाहिए, तो उसके लिए भी सारा सेटअप करना पड़ता है कंपनी को, बैंक से लाइजन करना, ठीक है, और जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे डिस्कस करके सारा कुछ वेबसाइट के ज़रिए सेटअप करना, वो भी बहुत बड़ा रोल है, उसके लिए भी टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है। और जब लॉन्च होगी तो सर्विसेज भी इंक्रीज होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा तय होना काफ़ी है, और उनकी सैलरी भी कंपनी को देनी है, और जो वेबसाइट का जो डोमेन है, और उसके लिए अलग से टेक्निकल टीम, और उसके लिए ऊपर काम भी चल रहा है, सर्वर पे भी काम चल रहा है, सर्वर क्रैश ना हो, अच्छे तरीके से स्मूथ फंक्शन करे, आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाओ तो आपका ऑर्डर इंस्टेंट लग जाए, और आप जब पे आउट वहाँ से अपना विड्रा करो, तो आपके अकाउंट में पे आउट एक ही क्लिक में विड्रा हो जाए, तो इस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ती है हर कंपनी को, ठीक है।
उसके बाद प्रोडक्ट का शिपिंग है, शिपिंग सर्विसेज के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनको कंपनी का, बड़ी से बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ इन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर रखा है, तो वो भी काम लगभग पूरा हो चुका है शिपिंग का भी। और उस सीजे डासल की जो कंपनी है लॉजिस्टिक कंपनी के साथ जिन्होंने टाई अप किया है, वो इंडिया के हर सिटीज़ में सर्विसेज देगी, उसके ऊपर भी लगभग काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ पूरा हो जाएगा। और जितने भी ऑफिशियल सेमिनार्स इनको इंडिया में इस साल करने हैं, हर सेमिनार की लिस्ट पहले से तैयार करना, हर जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं इंडिया में, सिटी वाइज ये देखेंगे किस इंडिया में एटोमिक कंपनी के ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज़्यादा कंज्यूमर हैं, जितने ज़्यादा कंज्यूमर जिस सिटी में होंगे वहाँ हर सिटी में इनको प्लान करना है। और जब ऑफिशियल सेमिनार एटोमी इंडिया में करेगी तो दूसरे कंट्री के जो बड़े बड़े लीडर हैं, इंपीरियल मास्टर, क्राउन हो गया, रॉयल मास्टर, जैसे USA के रॉयल मास्टर मिस्टर जैसन सिंह हैं, उनसे हम दिल्ली में मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो बड़े बड़े जो मास्टरशिप लेवल अचीवर हैं, इंपीरियल मास्टर, क्राउन मास्टर है, रॉयल मास्टर, वो इंडिया में आएंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि उन्होंने कैसे इंपीरियल मास्टर अचीव किया, 4 साल में किया, 5 साल में किया, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, जो लेवल उन्होंने अचीव किया उसके बारे में अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि हमने ये लेवल ऐसे अचीव किया है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी है और इस तरीके से आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, तो बहुत अच्छी बात है वो भी। और उसके लिए दोस्तों सेमिनार्स करने के लिए सक्सेसफुली, जैसे आईफा अवार्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में आईफा अवार्ड का सेटअप होगा दोस्तों, आईफा अवार्ड का जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फंक्शन होते हैं तो उनके सेटअप के लिए दोस्तों काफ़ी टाइम चाहिए होता है, महीनों की प्लानिंग होती है। तो इसी तरीके से एटोमी को इंडिया के बड़े बड़े सिटी में जो प्लानिंग करना है, सेमिनार करना है ऑफिशियल, तो उसके लिए उसको प्रिपरेशन टाइम भी चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। तो कंपनी नहीं चाहती कि जैसे अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है और एटोमी कोरिया ने इंटरनेशनली इंक्लूडिंग इंडिया जितने भी सेमिनार प्लान थे वो सब सेमिनार कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है भीड़ के अंदर, ठीक है। तो एटोमी नहीं चाहती कि जैसे लॉन्चिंग हो कोरोना वायरस के कारण उसका नाम खराब हो, उसकी फेस वैल्यू खराब हो, तो हर चीज़ वो प्लान करके चल रही है। इसलिए इन्होंने इंडिया का जो एटोमी ऑफिस है गुड़गांव में 24 मार्च तक की विजिट अभी तक कैंसिल कर रखी है, ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल सेमिनार्स थे सभी कैंसिल कर रखे हैं। एटोमी के सेंटर्स भी अभी क्लोज कर रखे हैं साउथ कोरिया में, एटोमी पार्क भी अभी क्लोज कर रखा है। तो एटोमी चाहती है कि जैसे ही इंडिया में एटोमी लॉन्च हो तो उसकी फेस वैल्यू सबसे टॉप में हो कंपनी की, और कंपनी का इंटरनेशनली जो मैसेज है इंडिया का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इंटरनेशनली हर कंट्री को कि एटोमी ने इंडिया में लॉन्च होते ही एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट की है, ठीक है। और कस्टमर केयर सर्विसेज का भी बहुत बड़ा रोल है, वो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है इंडिया में और आने वाले टाइम में इसकी सर्विसेज भी बढ़ेगी, तो लोड भी बढ़ेगा, लोगों की क्वेरी भी होगी, लोग कॉल्स भी करेंगे, तो उसके लिए भी इनको अपना स्टाफ इंक्रीज करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों, कंपनी का भाई 7 से 8 कंट्री में कंपनी ने प्लांट सेटअप कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के लिए भी इन्होंने प्लान सेटअप है इनका कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आगे तुरंत लग गया, तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है, फंड की ज़रूरत होती है, कॉस्ट की ज़रूरत होती है, उस कंट्री को देखते हुए प्लांट सेटअप करना पड़ता है कि इस कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इस कंट्री में, पर मंथ जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है इंडिया से, कंजप्शन कॉस्ट कितना है उसका, ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है उस प्रोडक्ट का, तो इस तरीके से प्लान करके, साइट देख करके 1 से 2 साल के अंदर वो अभी उस पर काम चल रहा है, तो प्लांट सेटअप आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए सारी चीज़ों पर रफ वर्क कंपनी को करना पड़ता है उस कंट्री के अकॉर्डिंग, उसके डेमोग्राफी को देखते हुए और उसके कंज्यूमर मार्केट को देखते हुए सारी चीज़ें उसको पहले से ही प्लान करनी पड़ती है, और उसके बाद ये प्लांट सेटअप करेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो लगना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंपनी अभी कर रही है और सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। तो जो लॉन्चिंग का जो डिले है कंपनी ने अभी 2 साल से क्यों रखा है, तो उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो, और आपका जो कैरियर है एटोमी के अंदर डिपेंड करेगा आपके प्लान के ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये आपका कैरियर एटोमी के अंदर आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपने प्लान से बात कीजिए, आपके प्लान की भी कोई पास्ट की सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आप जब भी एटोमी ज्वाइन करो, किसी भी टीम में आप ज्वाइन करो, आपके प्लान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और एक अच्छी टीम होनी चाहिए, अनुशासित टीम होनी चाहिए, और वो टीम कंपनी की जो लीगल गाइडलाइन है एटोमी की उसके अंडर काम करती हो, ठीक है, इलीगल कोई भी काम ना करती हो,
तो ऐसी टीम के साथ आप ज्वाइन कीजिए, एक अच्छे प्लान के साथ आप ज्वाइन कीजिए, आपका करियर आपके प्लान के साथ जुड़ा है 100% और एटोमी के साथ तो जुड़ा हुआ है, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक अच्छा लीडर मिल जाए, गाइड करने वाला अच्छा प्लान मिल जाए, तो आपको और आपकी पूरी टीम को सक्सेस 100% मिल जाएगी और 100% मिलेगी भी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरे इंडिया में मैं बोल सकता हूँ कि आज के दिन बहुत ही बढ़िया चल रहा है पूरे इंडिया में, और मैक्सिमम लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। कोई भी चीज़ अच्छी आती है तो कॉपी करना चाहिए मार्केट में, लेकिन सही तरीके से कॉपी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको इंडिया और इंटरनेशनली आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, आपको और आपकी टीम को। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है इंडिया की, टीम वॉरियर, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बेहतरीन है दोस्तों। और हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, जूम सेशंस और स्पेशल लेडीज लीडर्स ट्रेनिंग लेडीज लीडर्स के द्वारा, तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारी, ठीक है। और 2 साल से काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में टीम वॉरियर से मैक्सिमम मास्टरशिप इंडिया में अचीव होगी आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया पेज से अगर लिंक होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए सोशल मीडिया से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल के ऊपर आपको एटोमी इंडिया की तरफ से जो भी ऑफिशियल न्यूज़ है वो दी जाएगी, ऑफिशियल न्यूज़ ओनली। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो एटोमी कंपनी का मेगा प्लान है इंडिया को लेकर के, वो आपको और आपकी पूरी टीम को पता चलना चाहिए। वो टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको एटोमी की लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।